स्कूल और कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें और उसके घर वालों में जमीन आसमान का फर्क था। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं जमीन आसमान का फर्क होना। जमीन आसमान का फर्क होना, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज होती है, वो है अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज करना पड़ेगा दे आर, इसके बाद इज या फिर वाज, इसके बाद अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, इसके बाद बिटवीन, बिटवीन के बाद ये जो फील्ड देख रहे हैं, ये दो चीज़ का नाम यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। सो क्लियर गाइज, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने लिख दिया देयर इज अ वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन, ये जो दो ब्लैंक्स आप देख रहे थे वो ब्लैंक्स के जगह हमारा आ गया हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। There is a world difference between you and me. There is a world of difference between you and me. उसमें और उसके घर वालों में जमीन आसमान का फर्क था। There was a world of difference between her and her family. There was a world of difference between her and her family. स्कूल और कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। There is a world of difference between school and college. There is a world of difference between school and college. अच्छाई और बुराई में जमीन आसमान का फर्क है। There is a world of difference between good and evil. There is a world of difference between good and evil. उनके शब्दों और हरकतों में जमीन आसमान का फर्क था। There was a world of difference between their words and actions. There was a world of difference between their words and actions.